कोडरमा जिला के रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुचित पांडे है। मैं बहुत गरीब बंदे थे, ब्रजेश कुमार उज्जैन के रहने वाले। हमारे पुराने नोट सिक्का कौन ले गए और 86 लाख रुपये उसके बंदे आके हमारे घर पर दिए, ये और उनका फीस चार्ज 299 रुपया लगा है और 1 लाख बैंक में एडवांस दिए, 1650 रुपया अर्विंद चार्ज। दोस्तों पुराने नोट या पुराने सिक्के बेचना चाहते हो, पुराने नोट या सिक्के एक भाई साहब के बिक चुके और हमें मालूम नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने ये जरूर देखा होगा, शुरुआत में हमने एक वीडियो क्लिप लगाया था जिसमें ये दावे किए जाते हैं कि हाँ हमारे नोट या सिक्के ब्रजेश कुमार ने खरीदे हैं। वो बहुत ही सीधे आदमी है और बहुत ही ईमानदार आदमी है। तो भाई ऐसे बायर की हमें भी जरूरत थी, तो आज बिल्कुल हमें भी एक ऐसा बायर मिल गया है जो हमारे सिक्के हमारे नोट खरीदने वाला है। जी दोस्तों, इसकी पूरी तह तक हम जाने वाले हैं और पूरी तह तक इस वीडियो में आप लोग अंत तक देखोगे तो मालूम चल जाएगा कि आप लोगों के सिक्के कैसे बिकेंगे। इनके जिस प्रकार बिके हैं वैसे आप लोगों के कैसे बिकेंगे। आपने वास्तव में जो शुरू के अंदर जो सुना है वो क्या सच हो सकता है? अगर सच है तो आप लोगों के क्यों नहीं बिक रहे? तो इसके लिए मैं आपको सुनाता हूं पहले एक बार फिर से। कोडरमा जिला के रहने वाला हूं, मेरा नाम यूपी से बता रही है। मैं बहुत गरीब बंदे थे, ब्रजेश कुमार उज्जैन के रहने वाले। हमारे उज्जैन के रहने वाले बता रहे ब्रजेश कुमार के लाख रुपए उसके बंदे आके हमारे घर पे दिए और उनका फीस चार्ज 299 रुपया लगा है। सुनना, मैं फिर बताऊंगा आगे। 1 लाख बैंक में एडवांस दिए, 1 लाख रुपए बैंक में आए हैं। चार्ज लगी है, RBI चार्ज लगी है। अच्छा, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे वारी हैं। और ब्रजेश कुमार उज्जैन के रहने वाले हैं। हमारा जितना कॉइन सिक्का था सब सेल कर दिया है, बहुत अच्छे बंदे हैं। गजब गजब की बात कर रहे हैं यार मेरे भाई। तो अगर कोई इनको जानता होगा ना, फिर से मैं दिखा रहा हूँ तो मुझे बताना। मैं तो देखो भाई, जिला के रहने वाला हूँ, मेरा नाम सुचित पांडे। अगर मेरे भाई इनको जानते हो कोई तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना या मेरी इंस्टाग्राम आईडी @TrueEventYT वहां मेरे से संपर्क करना, क्योंकि मुझे इनसे बात करनी है। हंसी आ रही है, वाह आपने बहुत खूब किया। वो कहावत जो थी, वो गाना जो था, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही ये लोग कर रहे हैं। भाई मैं आप लोगों को कहता कहता थक गया कि ये जो फ्रॉड हो जाता है भाई, हो जाता है, कर देते हैं वो लोग। आप लोग गुमराह हो जाते हो, लेकिन आप लोग फिर किसी दूसरे को गुमराह मत करो। हमारे वीडियो दे दिया करो, ये वीडियो आप जो डाल रहे हो ना सोशल साइट्स पे, इससे अच्छा यार हमारे वीडियो डाल दिया करो। उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। अब आपको मैं आगे समझाता हूं मेरे भाई। आप लोगों ने तो चलो सुन लिया, समझ लिया, आपने हो सकता है 99% समझ गए होंगे, 1% होंगे वो समझे नहीं। इन भाई साहब के सिक्के बिके हैं, ब्रजेश कुमार उज्जैन के रहने वाले हैं। वो बायर से, ऑनलाइन बायर से वो नोट या सिक्के खरीदते हैं। 86 लाख रुपए इनको रोकड़ मिले हैं और साथ में 1 लाख रुपए अकाउंट में मिला है और 950 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा है, 1600 फाइल चार्ज लगा है और RBI चार्ज भी लगता है। तो ये जमा करवाने की आपकी हिम्मत है तब जाके आपके सिक्के बिकेंगे? ऐसे ही आप लोगों ने सोच लिया ना भाई, नहीं बिकेंगे। तो अब बात हमारी जो बात के ऊपर आते हैं, तो भाई इनके साथ में एक बड़ा स्कैम हुआ है, इनको गुमराह कर लिया गया है। इनसे हो सकता है 20, 25, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख रुपए तक का फ्रॉड हो चुका होगा। ये गरीब आदमी है, इनको गुमराह करके वो लोग लूट लिए। इसके बाद में इन्हीं को कहते हैं आपका पेमेंट हम रिटर्न करेंगे, आप एक ऐसा वीडियो क्लिप बना के दीजिए। तो भाई मैं हजार बार आप लोगों को कह चुका हूं कि आप लोग क्यों देते हो ऐसे चूतिए लोगों को ये क्लिपें जो फ्रॉड करते हैं। आप लोगों से के साथ फ्रॉड करते हैं, औरों के साथ आपका वीडियो देख के और लोग भी इस जाल में फंसेंगे। इस बात से मेरे भाई आप लोग सहमत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने वो सुनीता कुमारी एक मैडम थी उसका भी बताया आपको, एक पता नहीं कौन हमारे इधर राजस्थान का था उसका भी बताया, और भी कई ऐसे लोग हैं जो खुद तो फंस जाते हैं और लोगों को फंसाने का न्यूता देते हैं कि मेरा नोट बिक गया। भाई क्या घंटा बिक गया आपका नोट? आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। इनकी मेरी थोड़ी बताने का यार तरीका, थोड़ा मुझे गुस्सा आता है कि मैं इतना बताता हूं फिर भी ये लोग क्यों फंसते हैं।
मेरे ये लोग, ये भाई साहब मेरा सब्सक्राइब है, लेकिन जिस दिन से मेरे से एक बार पहले मुलाकात हुई है इनकी, लेकिन अब पता नहीं है कहां मेरे से बात भी क्यों नहीं की इन लोगों ने। तभी मैं कह रहा हूं आप लोग इन्हें जानते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी से संपर्क करना एक बारी, ट्रिवेंट वाईटी से, मुझे इनसे बात करनी है, जानकारी लेनी है कि कैसा फ्रॉड आपके साथ में कैसा हुआ, ताकि औरों के साथ नहीं हो। अब इनको ये लोग लूट लिया, लूटने के बाद इनको कहते हैं वीडियो क्लिप दीजिए, आपका पेमेंट रिटर्न कर दीजिए, कर देंगे। ये राजी राजी होके वीडियो क्लिप बना के देते हैं कि आधार कार्ड दिखाते हैं कि मेरे तो सिक्के बिक गए, आप भी बेच लो। ब्रिजेश कुमार बहुत ही अच्छा बायर है, उनके बंदे घर आके सिक्के या नोट लेके जाते हैं और पैसे रोकड़ देके जाते हैं। तो भाई साहब मैं फिर से कह रहा हूं, किसी आप लोग जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो भाई आप वीडियो क्लिप मत बनाना। वीडियो क्लिप भी आपको बनाना है तो ये दावे के साथ चलो, जो हो गया हो गया, ये छाती ठोक के बोल दो कि ये साला, ये जो बंदा है ये फ्रॉड है, मेरे साथ में इसने इस प्रकार किया है, मेरे से जुड़ो, मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, ताकि और लोगों के साथ फ्रॉड नहीं हो। ये चीजें आपको करनी है। मेरे देखो अकेले अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता सकता हूं, आगे का काम आपका होता, आपके साथ में फ्रॉड होता है तो बोलना आपको पड़ेगा, ना कि आपकी बोली कोई दूसरा बोलेगा। जिनके साथ में जैसे घटना घटती है भाई, आप लोग ही बोल सकते हो। ये जो फ्रॉड सिस्टम के लोग है इनसे हमें निपटना है। ये लोग साले दिमाग की तरह होते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं और अंदर से जो खोखला कर देते हैं। तो प्लीज यार आप लोग ऐसे जाल में मत आओ, रजिस्ट्रेशन चार्ज आरबीआई लेटर के झमेले में पड़ो ही मत। यार पड़ भी जाते हो तो भाई ऐसा वीडियो क्लिप मत बनाओ जिससे दूसरे लोग भी फंसे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट और कर रहा हूं, और मेरे साथी जो देख रहे हैं वीडियो शेयर कर देना, ताकि किसी ना किसी को दिल पे लग जाए कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं करना है। स्कैम हो गया जो हो गया, पुलिस में रिपोर्ट दो, साइबर क्राइम में रिपोर्ट दो, 1930 पे रिपोर्ट दो, 155260 पे रिपोर्ट दो। बल्कि आप लोग ऐसा काम मत करो, ये घिनौना काम जो है औरों को फंसाने का काम है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग समझदार हो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा, तब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। उम्मीद है आप लोग फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे, आप लोग फ्रॉड नहीं करवाओगे, सिक्के बिकेंगे तब बिकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फ्रॉड नहीं करवाना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।